आज हम कर रहे हैं टच स्टोन थेरेपी। ठीक है, टच स्टोन थेरेपी क्या होती है? आप एक पेपर लेंगे, यू विल राइट द नेम ऑफ द पर्सन हम जिसकी हीलिंग करेंगे ऑन दैट पेपर। ठीक है, उनका एनर्जी सिग्नेचर आ गया या फिर आप उनका एड्रेस भी लिख देंगे। फिर उसके बाद यू विल अरेंज एनी ऑफ द जो भी आपके क्रिस्टल्स हैं। आई एम शेयरिंग दिस वीडियो नाउ। सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। क्या हमने करना है अभी? आई एम जस्ट शोइंग यू। देखिए ऐसा अरेंज किया, मैं इसको पिन कर देती हूँ। दिख रहे? What I have done, मैंने सारे चक्रा के क्रिस्टल्स ले लिए। ठीक है, दीज आर दी स्पेशल क्रिस्टल्स फॉर द चक्रास। अब ये हर चक्रा के लिए एक क्रिस्टल है। आप या तो उसका नेम भी लिख सकते हैं या फिर आप ना एक कोई भी फिगर भी ले सकते हैं पेपर पे। ठीक है, जैसे मैंने वो बुद्धा फिगर दिखाया था, उसके अंदर हर चक्रा पे हमने एक एक क्रिस्टल रख लिया। अब आपके पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं अलग अलग कलर्स के, ठीक है, आप उसको पेपर पे चारों तरफ रख देंगे। मैम आपका फिगर दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? आपका फिगर मैंने बनाया नहीं है। अच्छा नहीं, आप मेरे को लगा कि आप कह रहे हो पिन किया हुआ है मैंने। हाँ अच्छा, नहीं मैंने आपको मेरा वीडियो नहीं दिख रहा। नहीं नहीं मैम, आप ही का दिख रहा है, मतलब आप दिख रहे हो। मैं दिख रही हूँ, मेरे पास तो ये आ रहा है, मैं स्पॉटलाइट करती देखूँ। वो छोटा सा वीडियो ऊपर आ रहा है, छोटा सा आ रहा है। एक मिनट, मैं इसको रिमूव पिन और स्पॉटलाइट करती हूँ सकती है। ठीक है, तो मैम बीच में हम वो सेवन चक्र वाले रख लें क्रिस्टल्स। हाँ, अब आ रहा है? यस मैम आ रहा है। ठीक है, तो बीच में हम सेवन चक्र वाले क्रिस्टल रख लें। हाँ, बीच में आप सेवन क्रिस्टल्स वाले सेवन चक्र वाले क्रिस्टल रखिएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यू टेक ऑल द क्रिस्टल्स यू हैव। जैसे हमने 30 क्रिस्टल्स लिए थे, उसके अंदर मोस्टली आपको जितने अलग अलग क्रिस्टल्स आप ले लीजिए, उसको चारों तरफ रख दीजिए। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट कमिंग टू द बेसिक चक्र। सपोज ये जो छोटे वाला दिख रहा है, दिस स्मॉल इज फॉर बेसिक चक्र। नाउ अब जिसका भी नाम है, मैं आई एम आस्किंग, आई एम जस्ट सीइंग। अभी मैंने आपको बताया था कि चक्र की हमें कंडीशन देखनी है। अब मैं देखती हूँ कि सपोज दिस इज फॉर मी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ माय बेसिक चक्र। अभी मेरा बेसिक चक्र ना एक्टिव है। ठीक है, कुछ दूसरा देखती हूँ, मेरे कौन से चक्र खराब हो सकते हैं फिलहाल। सोलर प्लेक्सस, या ठीक है ना, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ माय सोलर प्लेक्सस चक्र। देखो अभी ना मेरा एलिप्टिकल जा रहा है। ठीक है, मुझे मालूम है थोड़ा सा सोलर प्लेक्सस चक्र में मेरी प्रॉब्लम है। एलिप्टिकल जा रहा है, इसका मतलब एनर्जीज इम्बेलेंस है। Now what I will do, I'll ask the dowser what color and what crystals and which crystals energy is required for my system. Now, अब मैं क्या करूंगी, एक एक क्रिस्टल के पास जाके देखूंगी, is the energy of this crystal is required होगी तो वो yes करने लगेगा या फिर clockwise चलने लगेगा। ठीक है, now is the energy of this crystal is required for my solar plexus chakra? नहीं, इसकी required है solar plexus chakra? हाँ, अभी एक तो रोज क्वार्ट्ज की रिक्वायर्ड है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। लैपिडोलाइट, नो सिट्रीन, नो ऑरेंज एवेंचुरीन, यस। देखो ऑरेंज एवेंचुरीन पे आके ना मेरा क्रिस्टल बहुत जल्दी, देखो कितना ज्यादा जल्दी घूम रहा है, राइट।
तो इसका मतलब ऑरेंज, एक तो ऑरेंज एवेंचुरीन की एनर्जी मेन सिस्टम को चाहिए, सोलर प्लेक्सस को. नेक्स्ट और देखते हैं, लेपिस नहीं, लेपिस की नहीं चाहिए, क्लियर क्वार्ट्ज इसकी भी नहीं चाहिए, टाइगर आई नहीं, टाइगर के. तो मोस्टली एक तो ऑरेंज एवेंचुरीन के लिए आया, ठीक है, क्रिस्टल, और एक रोज, रोज क्वार्ट्ज का आया. नाउ व्हाट वी विल डू, जहां पे मैम क्लॉकवाइज होगा वो यस है. सॉरी जी, जो क्लॉकवाइज होगा जिस पे वो यस है. अब मुझे दो एनर्जीज रिक्वायर्ड है. आप अपने साथ पेन लेकर बैठिएगा. अब हमें क्या करना है देखिए, एक तो आ गया ऑरेंज एवेंचुरीन और एक आ गया हमारा रोज क्वार्ट्ज. मैं क्या करूंगी, रोज क्वार्ट्ज से एक एरो ले दूंगी, बनाऊंगी टुवर्ड्स माय सोलर प्लेक्सस चक्रा क्रिस्टल, ठीक है, और दूसरा एरो बनाऊंगी मैं ऑरेंज एवेंचुरीन से टुवर्ड्स सोलर प्लेक्सस चक्रा क्रिस्टल. व्हाट माय इंटेंशन इज, द एनर्जीज ऑफ दीज टू क्रिस्टल्स कीप ऑन balancing the energies of my solar plexus chakra. अब मैं और क्या कर सकती हूँ, I have these small small pencils. ये मेरी pencils हैं selenite की, या फिर आपके पास जो छोटे lemurians हैं आप उनको भी use कर सकते हैं for direction. तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हमने direction दे दी. तो अब ये क्या कर रहे हैं, मेरे solar plexus chakra को अपने आप heal कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू इज टेक योर डाउजर, एक्सट्रैक्ट दी एनर्जी. आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, क्लॉकवाइज करोगे, एक्सट्रैक्ट दी एनर्जी फ्रॉम द ऑरेंज एवेंचुरी एक्सट्रैक्शन विद द इंटेंशन यू आर एक्सट्रैक्टिंग इट्स एनर्जीज, ठीक है, एंड फिल इट इन सोलर प्लेक्सस. I'm feeling very good right now. My healing is, you know, I'm getting healed. My solar plexus is getting healed. I'm getting relieved. अच्छे big circles ले रहा है अपने आप. बहुत ज़्यादा healing required थी. आज पूरे दिन मैं बाहर रही तो इसलिए मेरा stomach upset था. ठीक. और आज मैंने बच्चों पे बहुत गुस्सा किया था. मुझे rose quartz की energy भी चाहिए. Extract the energies from rose quartz. Fill it in your solar plexus. ठीक है. Thank you, Dowser. और ये जो arrows हैं, ये continue आपके chakra को balance कर रहे हैं, heal कर रहे हैं. You can keep it overnight. ये तो हमने एक chakra के लिए किया. You can do it for every chakra. और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ऑरेंज एवेंचुरीन की एनर्जी ना ही तो मेरे सोलर प्लेक्सस में रिक्वायर्ड है, बल्कि सपोज मेरे आग्नेय चक्र या थ्रोट चक्र में भी रिक्वायर्ड है. तो फ्रॉम दिस क्रिस्टल आई विल अगेन मेक अनदर एरो टुवर्ड्स माय रिक्वायर्ड चक्र, ठीक है. आई कैन मेक एज मैनी एरोज आई वॉन्ट लाइक इन राइट. एक क्रिस्टल से हम कितने ही एरो बना सकते हैं, कितनी बार भी डायरेक्शन दे सकते हैं. दिस इज हाउ यू डू, दिस इज अ कंप्लीट हीलिंग सिस्टम. और ये हीलिंग सिस्टम एक स्टोन से मैम आपने तीन चक्रास को कनेक्ट कर दिया. तीन क्या, मैं सारे चक्रास को कनेक्ट कर सकती हूँ. ओके. अब जरूर हो सकता है ना इस क्रिस्टल की एनर्जी मेरे सारी चक्रास को चाहिए. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है. और एक चक्रा से कितने भी हो सकते, सभी क्रिस्टल की एनर्जी चाहिए एक चक्रा को. क्लियर. बहुत ही अच्छी हीलिंग होती है ये. दिस इज कंप्लीट हीलिंग सिस्टम. और आप इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, सुबह डिसमेंटल कर सकते हैं,
पूरी रात भर हीलिंग होती रहेगी. एंड आस्क द क्रिस्टल्स, आप इनको प्रोग्राम कर दीजिए, व्हेन यू आर डन विद द हीलिंग यू कैन स्टॉप योरसेल्फ. ठीक है, इजी. हाँ जी मैम, जब क्लॉकवाइज मूव करे तो उस चक्रा में नहीं रिक्वायर्ड, बट टू एंड फ्रो करे तो लिटिल इम्बैलेंस है. राइट, भी हमें एक एक पे जाना पड़ेगा. ओके जी, थैंक यू. ठीक है, इतना क्लियर है, हटा दूं इसे.